जिला न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने से गुस्सा अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर के घर का घेराव किया। प्रदेश भर के जिला कोर्ट में अलग अलग पदों पर निकली प्यून व ड्राइवर के पद पर भर्ती में बेरोजगारी का आलम देखने को लगातार मिल रहा है। चतुर्थ श्रेणी पद के लिए ग्रेजुएट व मास्टर्स किए हुए छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। उज्जैन जिले में 25 पद के लिए 9,500 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया विगत 2 जनवरी से लगातार जारी है, जिसमें मध्य प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों के छात्र छात्राओं नौकरी की आस में शनिवार अल सुबह फिर उज्जैन पहुंचे, जहां कोर्ट परिसर में जबलपुर हाई कोर्ट का एक नोटिस देख छात्र छात्राएं नाराज हो गए और जिला कलेक्टर आशीष सिंह के बंगले के बाहर धरना दे दिया। धरना देने की सूचना जैसे ही प्रशासनिक पुलिस महकमे को लगी तो आनन फानन में 2 थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी व क्षेत्र के SDM मौके पर पहुंचकर छात्र छात्राओं को समझाइश देने लगे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। हालांकि पूरे मामले में जिला कलेक्टर की ओर से कोई जवाब अब तक नहीं आया, लेकिन मौके पर पहुंचे माधवनगर थाना प्रभारी के बिगड़े बोल जरूर सुनने में आए, जो छात्रों को बोल रहे हैं कि नौकरी लेने आए हो तो ऐसे थोड़े हैं, सबके नाम नोट करना शुरू करो और उठो यहाँ से। दो लोग जाएंगे उसमें काई के लिए जाएंगे अंदर तो नहीं जाएंगे लेकिन गुना, बैतूल, हरदा, खरगोन, रायसेन, मुरैना, भिंड, होशंगाबाद व अन्य जिलों के ग्रेजुएट व मास्टर्स के हुए छात्र छात्राओं की उस समय एक ही मांग थी कि ठंड में परेशान हुए मेल या मैसेज कर देते तो हम 1,500 रुपए ठंड में किराया लगाकर आते ही नहीं, कम से कम परेशान तो नहीं होना पड़ता। ये बहुत गलत बात है और हम छिंदवाड़ा से आए हैं, छिंदवाड़ा MP से। हमने 2 ट्रेन बदली, हमारा किराया भाड़ा नास हुआ, ऊपर से बारिश इतनी तेज हो रही है, आज होटल के चार्ज के चक्कर में खाना नहीं खाया हम लोग ने। अरे हम भी तो काम करते, जितनी महीने की तनख्वाह मिलती है उतनी होटल में लगा देंगे तो दिल नहीं दर्द होगा क्या? आप बताइए, इतने पैसे हराम के आ रहे हैं क्या? आप खुद ही समझिए, ये गलत बात है ना। पहले सूचना देना था, मैं उस बात से सहमत हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कोरोना चल रहा है वो बात सही है, सूचना मिलती है। लेकिन यहाँ पे आके मेरे को तो ये भी नहीं पता है कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया, अगर ऐसा होता तो मैं आती काई के लिए? आप खुद ही बताइए ना, मैं क्यों आती? इंदौर में ज्यादा फैला है कोविड, उज्जैन में तो फैल ही नहीं है, भोपाल में उससे ज्यादा फैला, वहाँ भी चल रहा है। सर ये क्या है, ये ना इंसाफी सर, पूरा पैसा सब विद्यार्थियों का बर्बाद हो रहा है सर। मॉर्निंग वॉक पर निकले राहगीर ने छात्रों के साथ खड़े होकर बताया कि जिले में प्यून की वैकेंसी के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें प्रदेश भर व अन्य राज्यों के छात्र में जब मॉर्निंग वॉक पर निकला तो उनको कलेक्टर बंगले के बाहर देख उनसे समस्या जानी, जिसमें 1,500 रुपए किराया लगाकर आए छात्रों ने एक ही बात कही कि ईमेल या टैक्स मैसेज कर देते अगर जबलपुर कोर्ट का आदेश है तो हम इतनी दूर ठंड में परेशान नहीं होते। एक छात्र ने कहा कि महाकाल की नगरी में न्याय नहीं है तो कहां जाएंगे, जिस पर SDM ने कहा ओमिक्रोन व डेल्टा के साथ में आपकी सुरक्षा के लिए कोर्ट ने निर्णय लिया है, आप सब एक साथ एकत्रित मत होइए, मास्क लगाइए और जाइए अपने अपने स्थान पर। अगर महाकाल की नगरी में न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? इसका संक्रमण बहुत ज्यादा फैल चुका है, आप सभी लोगों की भी सुरक्षा चाहती है सरकार, हाईकोर्ट, इसलिए परीक्षा निरस्त नहीं हुई है, परीक्षा को हमने स्थगित करा रहे हैं। आगामी आदेश जैसे ही कोविड का संक्रमण कम होगा, आप लोगों तक जैसे पहले SMS आए थे या पहले आप लोगों तक ईमेल आए थे वैसे वापस आएंगे।